हाय फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि हम लोग कोई एक्सरसाइज बनाते हैं और उसके बारे में नहीं समझते हैं तो वो क्या होगा, एक रटा हुआ चीज़ हो जाएगा। लेकिन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सभी चीज़ का कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ही कोई भी एक्सरसाइज को बनाएंगे, ठीक ना। ये देखिए पर्सनालिटी 2.2 है, और इससे पहले एक आपका 2.1 है जो कि बहुत ही छोटा एक टॉपिक है, पर्सनालिटी 2.1। देखिए पर्सनालिटी 2.1, तो इस वीडियो में हम 2.1 को भी और 2.2 को भी सॉल्व कराएंगे। इसमें बहुत आपका कम टाइम लगेगा और ये बहुत इजी कंसेप्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, तो पढ़ चुके होंगे तो स्क्रीन पर देखिए टाइम आ रहा होगा कि 2.2 कितने से स्टार्ट है, जाकर आप डायरेक्ट उसको देख लीजिए, ठीक है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए अभी, ठीक है, लाइन बाई लाइन सारा कंसेप्ट सीखते चलिए, ठीक है। बहुत मजा आएगा, बहुत ही इजी तरीका से बताएंगे ताकि आप लोग को सभी कंसेप्ट 100% समझ में आ जाए, सभी क्वेश्चन भी 100% समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए आपका पर्सनालिटी 2.1 है, ये कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें क्या कह रहा है, y बराबर px मतलब x का ग्राफ में देखना है कि वो कितने बार शून्यक काटा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, इस तरह से बनाया गया है ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, पहले हम जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। ये होता है x x डैश y y डैश, ठीक है। अब इसमें क्या है, ग्राफ यहां पर निकला गया ना, ये वाला ग्राफ। तो इसमें देखिए बोला है कि y बराबर px के ग्राफ के नीचे आकृति प्रत्येक स्थिति में px के शून्य बताना है, किसका, x में। तो एक्स में कितने बार कटा है, एक बार भी नहीं, मतलब जब ये एक्स है, ये देख रहे हो ना, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स में जितने बार कटेगा वही आपको बताना है। तो इसमें क्या है, पी एक्स पर कोई नहीं कटा है, इसका अंतिम आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। जीरो क्यों होगा, क्योंकि एक बार भी इसमें एक्स में काटा नहीं है, लिखेंगे क्योंकि क्योंकि ग्राफ है, ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटती है, एक्स अक्ष को नहीं काटती है, समझ गए बात को। जब x पर काटेगी तो वही हमारा शून्य की संख्या होगा। अभी आप एक दो क्वेश्चन करोगे बिल्कुल समझ में आएगा 100%, जो कि आपको पूरा लाइफ में नहीं भूल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ऐसे है, चलिए इसको भी बना लेते हैं पल फिगर, x x डैश y और y डैश, कैसे ग्राफ बनाया है, यहाँ से पले गया, यहाँ से ऐसे किया है, देख लो, ठीक है, ये वाला है। अब ये देखिए x में कितने बार कट किया, ये होता है हमारा पी एक्स और ये होता है पी वाई। तो पी एक्स में कितने बार कट किया, एक बार, देखो इस पूरे लाइन में कितने बार कट कर जा रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना, एक, बस हो गया, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, कितने बार कट किया, एक बार, लिखेंगे क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, एग्जामिनर नंबर नहीं देता है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार काटती है, कितने बार कट किया है एक्स अक्ष को, एक बार। इसी तरह थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड क्या है, ऐसे गई है, इसको भी बना लेते हैं, वाई डैश, कैसे कट किया, यहाँ से गई और ए आई, ए फिर चली गई, यहाँ से गई और ए आई और फिर चली गई है, ठीक है, जस्ट ऐसा ही बनाया ना। चलिए इसमें देखिए ये है पी एक्स, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया और एक बार यहाँ कट किया, यानी पी एक्स का शून्यकों की संख्या 1, 2, 3 हो गया, लिखेंगे पी एक्स का शून्यकों की संख्या
पीएक्स के शून्यकों की संख्या, पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो गई? 3। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार? 3 बार काटती है, 3 बार काटती है। बात समझ में आया? इसको कितने बार काट किया? 3 बार। तो पी एक्स को शून्य की संख्या कितना हो गई? 3। तो इसलिए लिखेंगे कि एक्स अक्ष को 3 बार काटती है। ओके, बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है? ये वाला, आइए इसको भी देखते हैं। एक्स एक्स डैश वाई और ये वाई डैश कैसे कट किया है? सिर्फ ऐसे आ करके चली गई है, यानी सिर्फ ऐसे आई और चली गई। कितने बार पी एक्स पर कट किया है? 1 और ये 2। तो क्या लिखेंगे? पी एक्स के शून्य की संख्या कितना हो जाएगी? 2। पी एक्स के शून्य को की संख्या कितना है? 2 है। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को 2 बार काटती है। एक्स अक्ष को कितने बार? 2 बार काटती है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है कि इस तरह से अपने बुक में देखिए आप लोग भी, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये कट किया है, ऐसे गया फिर टर्न आया, फिर ऐसे गया फिर टर्न आया। इसमें देखिए कितने बार कट किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो क्या लिखेंगे? पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार काटती है। एक्स अक्ष को कितने बार? 4 बार काटती है। ओके, इसी तरह पांचवा देखिए। पांचवा है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसको ऐसे करिए, यहाँ से ले जाए फिर यहाँ से लाए फिर इसको, फिर यहाँ से लाए और फिर इसको लेकर चले गए। ये देखिए एक बार यहाँ कट किया, फिर यहाँ से आई है, फिर लेकिन टच करके चल गई, मतलब कट नहीं किया, मतलब एक ही बार फिर गई, फिर यहाँ टच ही करके चली गई, यानी एक ही बार, 1 2 3, यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? 3 होगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटती है। अब एक थोड़ा सा कंसेप्ट और समझिए इसमें, ठीक ना। जैसे हमारा क्वेश्चन में बोला गया है कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, यदि मान लीजिए y बराबर पी एक्स के जगह ऐसा ना लेकर के x बराबर पी वाई का कहा जाता, और साथ में कहा जाता ये भी कि पी वाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हो क्या करते? जब पी वाई के शून्य ज्ञात करने की बात करता, तो यदि क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो इसमें हम वाई ओला का ढूंढेंगे कितने बार कट किया है। तो वाई ओला में कितने बार? 1 बार। ये तो एक्स में पूछा था, यदि वाई में पूछेगा तो वाई ओला ग्राफ में देखेंगे कितने बार कट किया है। दोनों कंसेप्ट एक ही है, तो मैं इसमें 2 क्वेश्चन आपको मैं बता दिया। कौन कौन? एगो पी बराबर वाई बराबर पी एक्स वाला और एक एक्स बराबर पी वाई वाला। यदि एक्स पर बोले तो एक्स वाला गिनेंगे कितने बार कट किया, यदि वाई पर बोले तो वाई वाला देखेंगे कितने बार कट किया। ये आप हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन में पड़ोगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 समझ में आ गए होंगे, और ये बहुत ईजी है, और आपका एक नंबर का इससे सवाल आता है हमेशा, ठीक ना। तो इसको ध्यान से करिएगा और अच्छे से करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।
अपने खुद से भी इसमें कुछ क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे ऐसे करके, और ऐसे 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 करके ग्राफ खींच करके कितने बना सकते हैं तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट है? कौन? एक्सरसाइज 2.2 यानी पर्सनालिटी 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहले तो शून्य ज्ञात करना है, पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों के गुणांक शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता मतलब जांच भी करना है। ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। चलिए देखा जाए इसको, ये तो पेज खत्म हो गया, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली अपना कौन सा 2.2 ना, आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, 100% सीखना है। ठीक ना, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर वन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक बात आपसे कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो में सिर्फ एक दो क्वेश्चन सही से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक ना, सारे क्वेश्चन समझने की पावर आपके पास हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, पहले तो शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो हम पहले देखेंगे कि मान लो ये द्विघात बहुपद है, बिल्कुल है, इसको शून्य कैसे निकालते हैं पहले ये सीखेंगे। तो शून्य निकालने का तरीका आप लोग बहुत पहले से जानते हो, क्लास 6 से ही जानते हो। कैसे? जो ये दिया हुआ है ना, इसको गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालो। गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक ना, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि जानते हो ना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और ये देखो माइनस 2x है, तो इसके जगह पर दो ऐसा अंक लिखा जाता है जिसको जोड़ और घटाओ करें तो माइनस 2x आ जाए, और इसको गुना करें तो इन गुना के बराबर हो जाए। ये सब आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े हो। तो यहाँ पर क्या है, माइनस 2x है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा अंक रखेंगे? यदि मान लीजिए -4 रखते हैं, -4x, इसको काट देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। यदि मान लीजिए कि -4x में से यदि +2x कर देते हैं, देखिए यहाँ पर इसके बदले यहाँ पर दो अंक लिखना था, तो हमने एक -4x रखा और एक 2x रखा। यहाँ पर ऐसा अंक चूज करना है जिसको जोड़ घटाओ करें, देखो -4x में से 2x जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2x, यानी ए हो जाना चाहिए, जोड़ घटाओ करने के बाद ए आ जाना चाहिए। यदि इसको गुना करें तो इन गुना के बराबर होना चाहिए, 4x और 2x, 8x2, इसको गुना करेंगे 8x2, देखो ये कॉम्बिनेशन बन गया और बच क्या गया, -8। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आप लोग इसके बारे में बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे, क्योंकि गुणनखंड करना बहुत क्लास 6 में सीखे, 8 में सीखे, 9 में तो बहुत सारा मिला, तो 10th में क्यों नहीं जानते होंगे, पक्का जानते होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो मेरे को बताना, वीडियो बना देंगे एक सेपरेट। ठीक है, ऐसे यहीं पर समझ लो, बहुत सारा मिलेंगे। ठीक ना, आराम आराम से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हमने इसको गुणनखंड कर लिया, अब क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं इन दोनों में। दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स, तो यहाँ पर दो गो एक्स, एगो एक्स ले लिए तो एगो एक्स बच गया, माइनस यहाँ से एक्स कॉमन ले लिए तो बच गया 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका +2 ले लीजिए, +2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एक्स, यहाँ 8 में से 2 ले लिए ना तो 4 बच गया, बराबर में 0। अब क्या करते हैं, देखो दोनों में कॉमन सेम है यानी फैक्टर हमारा सही है। जब यहाँ पर जो कोष्ट में दोनों जगह सेम आ जाता है तो समझिएगा कि हमारा जो गुणनखंड किए हैं वो बिल्कुल सही है, ये चेक करने का तरीका है। तो इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, तो एक्स -4, और इसको बाहर, अब एक्स भी बाहर है और +2 भी बाहर है, इसको क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे, एक्स +2 बराबर में 0। एक बार इतना बराबर 0 कर लेंगे, एक बार इतना बराबर 0, यानी एक्स -4 बराबर 0 कर लेंगे एक बार, और एक्स +2 बराबर एक बार 0 कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ले जाएगा तो प्लस हो गया, एक्स बराबर ए प्लस ले जाएगा तो माइनस हो गया। समझ में आया? तो ये जो आया ना, ये जो आया है यही आपका शून्यक है। क्या है? शून्यक है। शून्यक क्या होता है, इसको अल्फा और इसको बीटा मान लीजिए, यानी शून्यक जो है आपका अल्फा बराबर आ गया 4 और बीटा बराबर आ गया -2। अल्फा बराबर क्या आ गया, 4, और बीटा बराबर आ गया -2। बात को समझ रहे ना, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे
हमसे बोला गया है कि आप पहले तो शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने तो क्या किया भाई, देखो शून्य का अल्फा और बीटा हमने ला दिया, शून्य ज्ञात कर लिया। अब सेकेंड काम है कि शून्यको तथा गुणांकों के बीच का संबंध, तो शून्यको का जोग और शून्यको का गुणनफल यानी निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे आइए आपको वही सिखाते हैं। दो फार्मूला आपको हमेशा याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए फार्मूला कौन से हैं। सबसे पहले फार्मूला आपको पहले तो ये देखिए कि शून्यको तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि शून्यको तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, शून्यको तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसके लिए जानते हो क्या आपको आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए ए बी और सी की मान की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहोगे कि सर ए बी सी कहाँ से लाएंगे, तो देखिए ए बी सी जैसे होता है ना, ये जो द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो इसी से इसमें कंपेयर करेंगे। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिख सकते हो ना, क्योंकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको और इसको जब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर कितना जाएगा एक, ए बराबर हो गया एक। फिर बी एक्स वाला करो इससे, तो बी बराबर कितना हो जाएगा -2, बी बराबर -2। फिर सी वाला करो क्या है -8, -8 हो गया। बात को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि गुणनखंड विधि से करना है ना, तो पहले हम क्या करेंगे जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करके आपको मूल ज्ञात करने आता है ना, शून्य ए आ गया और ए आ गया, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि शून्यको तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे शून्यको तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। लेकिन इसके जांच के लिए क्या क्या चाहिए, ए बी सी का मान चाहिए। ठीक है, तो वही हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी का मान पहले कहाँ से लाए, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से हम तुलना किए यानी कंपेयर किए। कंपेयर करने के बाद ए बी सी का मान हमारा आ गया। ठीक है, ए बी सी का जैसे मान आया अब हम क्या करेंगे, शून्यको का जोग निकालेंगे, क्योंकि यही ना पता करना हमको, शून्यको का जोग और शून्यको का गुणनफल की जांच करना है। शून्यको का जोग, शून्यको का जोग किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं। याद रखिए कि फॉर्मूला होता है शून्यको का जोग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखोगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक ना, शून्यको का जोग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो चलिए सॉरी, शून्यको का जोग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है 4 है, बीटा का मान क्या है -2 है, तो अल्फा का मान लिख लेंगे 4 और बीटा का मान लिख लेंगे -2। अब यहाँ पर माइनस बी, बी का मान क्या है -2, तो बी का मान भर देंगे -2। ए का मान क्या है 1, तो यहाँ पर भर देंगे 1। अब ये देखो 4 - 2 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 2/1 यानी 2 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 और बराबर में 2 यानी 2 बराबर 2। देखो दोनों बराबर आ गए यानी हमारा शून्यको का जोग क्या है सत्य है। अब शून्य का तो जोग हो गया, अब क्या शून्य का गुणांक, गुणनफल ना इसको भी निकालेंगे, शून्यको का गुणनफल, शून्यको का गुणनफल, शून्यको का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2, तो 4 गुना -2 और c, c का मान क्या है, सी का मान क्या है, सी का मान लाए हो -8, ये हो गया -8 और ए का मान है 1, एक ही है ना, 1 भर दिए। 4 से और -2 से करेंगे -8 और -8 में 1 से भाग देंगे -8, देखो ये दोनों बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो ये भी क्या हो गया सत्य हो गया। लिखेंगे कि दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में संबंध क्या है सत्य है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा टाइम लगा आप लोग बनाने में, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल इजी तरीका से बनेंगे और जल्दी जल्दी बनेंगे। तो
लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको इसमें हम समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि और आप लोग का माइंड डेवलप हो जाए, ठीक है ना। पहले ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन दे दिया गया आपको, गुणनखंड निकालने आता है, गुणनखंड निकाल दीजिए, एक्स का मान निकाल दीजिए। मान लीजिए आप यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, आराम से बना लेंगे क्योंकि पहले पढ़े हैं क्लास 9 तक। अब 10th में क्या सीखना है, सिर्फ यही इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, तो अल्फा बीटा का मान निकालना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा क्या है, एक शून्यक होता है। अब इसी क्वेश्चन में आपको शून्यक निकालने के लिए बोला था, तो हमने शून्यक एक काम कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसको जांच करो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। जांच मतलब क्या, शून्यक का जोग और शून्य का गुणनफल, ये चेक करना है आपको। तो शून्यक का जोग का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो अल्फा बीटा का मान जानते हो और बी और ए का मान नहीं जानते हो, तो ए बी का मान कहाँ से लाएंगे, इससे कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो यहाँ से हमारा ए बी सी का मान निकल करके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला में रख देंगे, ये अपने आप जांच हो जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा बीटा का मान भर दिए और सी और ए का मान भर दिए और ये देखिए जांच हो गया। लास्ट में लिखेंगे दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे तो और मजा आएगा समझने में, ठीक ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4s² - 4s+1 है, क्या है, 4s² - 4s+1 को सॉल्व कर लिया जाए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s+1 है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आराम से सॉल्व करना है, बिना पेशेंस मतलब बिना टेंशन लिए हुए, ठीक ना। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। सबको गुणनखंड निकालने आता है, निकालिए। 4 यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दीजिए, 4s² - 4s+1 बराबर, आप 0 लिख सकते हो क्योंकि गुणनखंड निकाल रहे हो, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तोड़िए कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर तो 4s² ज्यों कहते हो, इस -4s के बदले यहाँ पर दो ऐसा अंक लिखना है जिनको जोड़ और घटाओ करे तो -4x आ जाए और गुना करे तो इन दोनों गुना के बराबर आ जाए। ऐसा कौन सा है बताइए, -2s और -2s है, दोनों को जोड़ेंगे तो -4x और गुना करेंगे तो 4s² आ जाएगा। बात को समझ गए, अब +1 है तो +1 बराबर में 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों में तुलना करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में 2s कॉमन मिल जाएगा, तो हमने 2s कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा क्या, 4s² में से 2s कॉमन ले लिए तो 2s तो बचेगा, और यहाँ पर तो सब कॉमन ले लिए तो एक बच गया। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिलता है तो हम क्या ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर माइनस तो कॉमन ले लिए तो प्लस हो गया 2s, ये प्लस में से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो -1 बराबर में 0। अब इसको और इसको साथ में, यानी 2s - 1, और इन देखो एक बात और याद रखनी है, याद रखना क्या आपको इम्पोर्टेंट होता है इसमें, कि जो कोष्ठ टोला होता है ना, जब सेम आ जाए तो समझाना कि हमारा गुणनखंड सही है, और कोष्ठ टोला को पहले लिखा जाता है, तो 2s - 1 को हमने किस दोनों में से कोई एक लिख लिया, इसको पहले लिखा जाता है और जो बाहर बचता है उसको बाद में, तो 2s और ये -1 इसको बाद में लिखा जाता है बराबर में 0। अब इनके बराबर में 0 कर दीजिए, 2s - 1 बराबर 0, और एक बार 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। s बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा 1/2, यहाँ से 2s बराबर -1 प्लस हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया आपका शून्यक। गुणांक क्या आ गया, शून्यक आ गया, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। आपने एक काम कर लिया, अब सेकेंड काम है आपको जाँच करना, ठीक ना। लेकिन जाँच करने से पहले आपको क्या चाहिए, ए बी सी का मान चाहिए, ठीक ना, ए बी सी का मान चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम कंपेयर करा देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आप एग्जाम में मत लिखना, ठीक ना, हम कंपेयर कराने के लिए लिख रहे हैं। इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो देखो आप कहोगे सर यहाँ पर एस स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसको एक्स में कर दो, वाई में कर दो, एस में कर दो, उससे कोई मतलब नहीं, इसको भी एस में है तो इसको भी एस में कर दो, एस स्क्वायर बी एस प्लस सी कर दो, क्योंकि ये क्या होता है, एक द्विघात बहुपद ही होता है, किसी भी रूप में रहो, ए एक्स स्क्वायर में रहो चाहे ए एस स्क्वायर में रहो, बात एक ही है। ए का मान क्या जाएगा, 4, तो यहाँ से ए का मान आ गया 4, बी का मान कितना जाएगा, -4, बी का मान हो जाएगा -4, सी का मान कितना हो जाएगा, 1, सी का मान हो जाएगा 1, ठीक है। ए बी सी का मान हमने निकाल दिया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर देंगे। शून्यकों तथा
गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच क्या होता है? शून्यकों का जोग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अभी बताया ना आपको, माइनस बी बाई ए होता है। इसे याद रखिए, अल्फा का मान क्या है, 1/2, 1/2, और प्लस बीटा का मान है 1/2 बराबर माइनस का माइनस, बी का मान क्या है, -4, तो ये हो गया -4, बटा ए का मान क्या है, 4, तो ये हो गया 4। इसको एलसीएम लो तो 2 हो गया, भाग देंगे 1 + 1 बराबर में माइनस माइनस प्लस, यानी 4/4, ये हो गया 2/2 बराबर 4/4, ए कट गया, ए कट गया, यानी 1 = 1 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया। शून्यकों का जो हमने प्रूफ कर दिया, अब शून्यकों का गुणनफल, अब तो शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक ना, याद है ना सबको, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा का मान क्या है, 1/2 है ऊपर में देखिए, और बीटा के मान भी 1/2 है। सी का मान क्या है, सी का मान है 1, सी का मान 1, और ए का मान क्या है, 4, ए का मान है 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 = 4 बराबर 1/4, देखिए दोनों इक्वल हो गया, यानी हम लास्ट में लिखेंगे कि अतः अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, संबंध सत्य है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और जिनको देखो एक बात उपाय, मतलब आप लोग क्लास टेंथ के लिए लाए हैं, जिन लोगों को मान लो कि मेंबर सपोर्ट मेंबर में जुड़ना है, उसके लिए 499 रुपया लगता है आपका पूरे साल के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए। जिनको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको पूरा क्लास टेंथ का हर एक वीडियो लाइन बाय लाइन व्हाट्सएप पर शेयर किए जाएंगे। उसमें आप यदि नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से स्पेशल कॉल करके डाउट क्लास भी पूछ सकते हो। ठीक है, और अलग से आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यदि उसमें ज्वाइन होना होगा तो आप 499 रुपये दे करके आप ज्वाइन हो सकते हो। इस नंबर पर मैसेज व्हाट्सअप करना या कॉल करना, 8383896119 पर। ठीक है, जिनको ज्वाइन होना होगा वो बताना। ठीक है, उसमें आपको पूरा 100% मैथ कंप्लीट कराने गारंटी रहता है। इतना समझ लो कि पूरा आपको मैथ हम कंप्लीट कराएंगे, बस आपको थोड़ा सा 1 घंटा हमें टाइम देना है, बाकी मेरा सारा जिम्मेवारी रहेगा। ठीक है, जिनको जुड़ना होगा जुड़ सकते हैं, बाकी तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 है कि 6x² - 3 - 7x, इस क्वेश्चन को भी आइए बनाया जाए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बुक को हटा लेते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देना, 6x², इस क्वेश्चन में बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, 3 - 7x, क्या कन्फ्यूजन है ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि मान लो 7x यहाँ होना चाहिए तो यहाँ पर दे दिया भाई, तो देखो चाहे मान लो कि इधर दे चाहे उधर दे चाहे कहीं भी दे, इसको सेपरेट आपको करना होता है। ठीक ना, ध्यान देना, दिमाग से बनाना नहीं तो गलती कर दोगे। पहले इसको सेपरेट कर लो, 6x² क्यों ऐसे सेपरेट कर रहे हैं, देखो ax² + bx + c होता है ना द्विघात बहुपद, ये तो द्विघात बहुपद के रूप में है नहीं, क्योंकि सी वाला यहाँ लिख दिया अब बी वाला यहाँ लिख दिया, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे 6x² और इसको उठाकर किधर लिखेंगे। ठीक ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक करने के लिए आप लोग को दिया गया है कि आप लोग क्या सोचते हो क्या माइंड लगाते हो। ठीक ना, -3 = 0, देखो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, अब इसको सॉल्व करिए, 6x² ज्यों कहते हो, और इस -7x के बदले हम क्या लिखें कि जिनको यहाँ पर दो ऐसा अंक लिखना है जिसको जोड़ घटाव करें -7x आ जाए, और गुना करें तो इन दोनों गुना के बराबर हो जाए, क्या है तो -9x और +2x। देखो इसको माइनस करोगे तो -7x आ जाएगा, और गुना करोगे तो 9 × 2 = 18 और ये 36 = 18 के बराबर हो गया। ये तो आप पहले से जानते होंगे, -3 = 0। अब क्या करें, कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3x, यहाँ पर बच जाएगा 2x और यहाँ पर क्या बच जाएगा
3। इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो प्लस एक ले लीजिए, तो यहाँ पर 2x-3 = 0 होगा। जब कुछ नहीं मिलता है तो आप एक लिख सकते हो, ठीक है, एक कॉमन ले सकते हो क्योंकि एक से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब देखिए कॉमन दोनों को बाहर वाला को, दोनों एक जैसा है यानी हमारा गुणनखंड सही है, तो इनको पहले लिखा था दोनों में से कोई एक, तो 2x-3 हो गया, और ये बाहर वाला को लिख लो 3x+1 = 0। तो एक बार 2x-3 = 0 और एक बार 3x+1 = 0, तो 2x बराबर हो गया, माइनस ले जाएगा तो प्लस, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3/2, और थ्री एक्स बराबर है प्लस ले जाएगा तो माइनस, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा गुना कर देगा तो भाग कर देगा, -1/3। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, यानी हमारा शून्य निकल गया। अब क्या निकालेंगे, ए बी सी का मान, तो ए का मान हो जाएगा 6, बी का मान हो जाएगा -7 और सी का मान हो जाएगा -3। इसको तो कंपेयर करना है आपको ना, ए बराबर 6, बी बराबर -9 और सी बराबर -3। अब क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए क्या हो जाएगा, पहला तो फॉर्मूला आ जाएगा कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3, और ये -b का मान है -9 और a का मान है 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 3 का LCM 6, इसको भाग देंगे 3/3 से और ये 9, और ये प्लस माइनस 2 बार में और ये 2, ये कितना हो जाएगा -9 ना, ये हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा ना, -9 यानी माइनस, अच्छा b का मान गलत नहीं ना लिखे हैं यार, b का जो मान है 9 नहीं है 7 है, यहाँ पर b का मान क्या है 7 है, 7 लिख लो, गलत हो जाता फिर, ठीक ना, फिर हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। -+7/6, 9 में से 2 जाएगा 7/6 और ये 7/6, देखो दोनों सत्य हैं, दोनों बराबर आ गए तो हम क्या कहेंगे सत्य है। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल α×β = c/a। अल्फा का मान है ऊपर देखिए अपना 3/2 और बीटा का मान है -1/3, सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 6। 3 से और -1 से करेंगे -3, 3 × 6 और ए 3/6, देखो दोनों सेम आ गए, लिखेंगे कि अतः संबंध क्या है, संबंध सत्य है, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आए होंगे। अब आती है क्वेश्चन नंबर 4, तो जो कि आप लोगों को और कन्फ्यूजन में डालता है। देखो 4u+a2 ही सिर्फ दे दिया है, एक इसको छोड़ दिया है, ठीक ना, तो इसको आप लोग सोचेंगे सर कैसे बनाए कैसे बनाए, बहुत ईजी है, आइए ना इसको भी सीखा जाए, बहुत ईजी है, बहुत कंसेप्ट ईजी है, बस आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए क्वेश्चन को, बहुत मजा आएगा, ठीक ना, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4u² + 8u है, यही है ना। देखो इसको क्या करना होता है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, जो आप लोग क्वेश्चन किए हो उससे भी बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 4u+a2 है ना, तो इसको हम सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद के लिए गुणनखंड निकालने के लिए 0 के बराबर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, हमने ऐसा कर लिया। इसको गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, देखो दोनों में कॉमन लो, कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में 4u कॉमन मिल जाएगा, हमने 4u कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा यू, अब प्लस ए टू है, अब 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 बराबर में 0, ठीक है। अब एक बार 4u = 0 कर देंगे और एक बार u+2 = 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए u बराबर
ये जीरो और एक गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, यानी यू का जो मान आ गया जीरो के बराबर आ गया, और यहाँ पर यू प्लस कर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, समझ में आया ना, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब तो हमें ये बताओ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ए बी सी का मान निकालते हो, ये तो यू में है, इसको ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी कर लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम तो कर सकते हैं, तो इससे कंपेयर करेंगे तो ए का मान कितना आएगा, चार, ए का मान आ जाएगा चार। अब बी का मान कितना आ जाएगा, आठ, बी का मान आठ, लेकिन सी का मान तो दिया ही नहीं है, जब नहीं दिया है तो सी का मान हो जाएगा जीरो, जो नहीं दिया रहता उसका मान जीरो हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्य को का क्या, शून्य को तथा ना, शून्य को का नहीं, शून्य को और गुणांक को है ना, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच, बीच संबंध की जांच क्या हो जाएगी, बीच संबंध सत्यता की जांच लिखो, तब ना मजा आएगा, सत्यता की जांच क्या हो जाएगा, पहले शून्यकों का जोग निकालेंगे कि सही है कि नहीं है, शून्यकों का जोग, शून्यकों का जोग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा का मान क्या है जीरो, बीटा का मान क्या है माइनस टू, माइनस बी, बी का मान है आठ और ए का मान है चार, यहाँ देखो माइनस टू बराबर भाग देंगे माइनस टू, इतना यानी इक्वल है बराबर आ गया। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है आपका जीरो और बीटा का मान है माइनस टू, तो जीरो इंटू माइनस टू बराबर सी, सी का मान कितना है जीरो और ए का मान कितना है चार, तो ये हो गया चार, ये जीरो हो जाएगा और जीरो में किसी भी संख्या से भाग दोगे जीरो, देखो ये भी आंसर जीरो, यानी दोनों क्या आ गए बराबर आ गए, यानी दोनों स्थितियों में क्या है हमारा सत्य है, लिखेंगे अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, संबंध सत्य है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग और कन्फ्यूजन में पड़ेंगे, ये सर अब ये कैसे आ गया, टी स्क्वायर माइनस 15 है, आइए ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं, और जो टी स्क्वायर जो लिखा है ना, देखो एक बात याद रखना, जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फाइव, टी स्क्वायर माइनस 15, ये टी स्क्वायर माइनस 15 है, कभी पी में रहेगा कभी जेड में रहेगा, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना, सारे क्वेश्चन एक जैसे बनेंगे। ठीक ना, इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ना गुणनखंड के रूप में कर लीजिए, यानी टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में आप जीरो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बराबर में जीरो करेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद से है, तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो टी स्क्वायर बराबर 15 आ गया, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, यानी टी बराबर रूट 15। ठीक है, और आपको पता है कि जब रूट आता है तो प्लस और माइनस दोनों लेकर के आता है, यानी टी का जो मान आ गया एक प्लस रूट 15 हो गया और एक टी का जो मान हो गया माइनस रूट 15 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अल्फा का जो मान आ गया रूट 15 आ गया और बीटा का जो मान आ गया माइनस रूट 15 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें ए बी सी का मान निकालना होगा, देखिए यहाँ पर हम ए टी स्क्वायर माइनस जीरो, सॉरी क्या होता है एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, लेकिन इस तो टी के फॉर्म है तो टी में तोड़ेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो ये तो ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लाख लिख सकते हैं, यानी ए का जो मान है एक है, लेकिन बी बी तो इसमें दिया ही नहीं है तो बी का मान हो जाएगा जीरो, जो नहीं दिया उसका जीरो, सी सी की जगह पर तो 15 है ना, माइनस 15 था, सी की जगह माइनस 15 डाल दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी सी तो मान निकाल लिया, शून्य को गुणांक होता है सत्यता की जांच कर लेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के
बीच की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या हो जाएगी? शून्यकों का पहले जोग निकालेंगे, शून्यकों का जोग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा का मान क्या है? √15, और बीटा का मान -√15। 15 प्लस -√15, माइनस बी का मान क्या है? 0, और ए का मान क्या है? 1। 15 में से 15 जाएगा 0, और 0 में 1 से भाग देंगे 0, यानी ये भी सत्य है। अब शून्यक तो हो गया, गुणांक देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या हो जाएंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान √15 और बीटा का मान √15। सी का मान कितना है? -15 है, अब बटा ए का मान 1। इसको भाग देंगे तो -√225 और बराबर -15, और 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15 होता है, बराबर में -15। देखो दोनों इक्वल आ गए। लास्ट में लिखेंगे, अतः दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में संबंध जो है, दोनों स्थितियों में संबंध जो है सत्य है। ये आपका आंसर, समझ गए? और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए 3x² - x - 4। तो इस क्वेश्चन को हम मान लीजिए आप लोग को देंगे तो क्या नहीं बना पाओगे? बिल्कुल 100% बना लोगे, और बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेगा, चेक करके आपको बताएंगे, ठीक ना? इसको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कहाँ पर? यहीं पर हिंट दे देते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि 3x² - x - 4 है। इसको क्या करिएगा, व्हाट्सएप पर मेरे सेंड कर दीजिएगा 8383896119 पर, बना करके मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा, हम इसको चेक करके आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक ना? इसको क्या करना है, पहले गुणनखंड करना है। गुणनखंड देखो थोड़ा सा हिंट देते हैं, 3x² यहाँ पर -x है, यहाँ पर क्या रखा जाए कि -x आ जाए? तो देखो, तो -4x में से यदि +3x करोगे ना, देखो -4x में से 3x जाएगा तो -x आ जाएगा, और इनको गुना करोगे -4 = 12, इसको गुना करो 4 = 12, देखो ये हो गया। अब -4 = 0, अब इन दोनों में कॉमन लेकर आगे बनाओ, अब बना करके मेरे पास सेंड करना है, हम चेक करके आपको जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है? जरूर करना, भूलना मत, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इजी होता है, आप लोग अभी तक जहां भी पढ़े होंगे उन मेथड से बहुत इजी बताने वाले हैं, बहुत इजी तरीका, जो कि आप लोग मजा आ जाएगा आज पढ़ने में, और इतना स्पीड में बनाएंगे ना, और कभी आपका मिस्टेक भी नहीं होगा, कभी गलत भी नहीं होगा, इतना इजी में बताएंगे ही बताएंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। अब देखिए उल्टा हो गया, मतलब ए पहले आपको इससे ए वाला निकालना था, अब ए दिया हुआ है और ए वाला बताना है। द्विघात बहुपद अब ज्ञात करना है, पहले द्विघात बहुपद दिया गया था उसका शून्यक ज्ञात करना था, अब शून्यक दिया गया है द्विघात बहुपद बताना है। इसको बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी, आइए इसको देखते हैं, ओके? आइए इसको हम इतना ईजी तरीके से बताएंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक ना? पहला क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, क्या है? 1/4 और -1 है, 1/4 और -1 है, पहला क्वेश्चन 1/4 और -1 है, ठीक है? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको देखिए द्विघात बहुपद बताना है, ठीक है जी? यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिए, बहुत इजी तरीका बताएंगे। यहाँ पर लिख लीजिए द्विघात बहुपद हमें बताना है, ठीक है? और आपको ये बात तो पता होगा, फॉर्मूला याद कर लिए होंगे कि शून्यकों का जोगफल का फॉर्मूला, शून्यकों का जोगफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, और शून्यकों का गुणनफल, ये भी फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है? हमें बताना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप ये याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - α + β x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा।
आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, आप पूरे लाइफ में जब भी आपका द्विघात बहुपद बताना होगा, शून्य दिया रहेगा तो आप बहुत फास्ट कर लोगे। ठीक है, चलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपने याद कर लिया, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा इंटू बीटा क्या है, और आपको शून्य दिया रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन करके दिखाते हैं। ये तो कंसेप्ट था इसको बताने के लिए, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कैसे किया जाएगा। सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है, तो दिया है आपको क्या दिया है, इसमें देखिए ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो जो दिया है उसको लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 1/4 हमने लिख लिया, 1/4। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। अब क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, ये हो गया 1/4, एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा इसका मान है -1। अब इसको सॉल्व करिए। हाँ एक बात और याद रखिएगा, बराबर में 0 लिखना बहुत जरूरी है, बराबर में 0 छूट रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस माइनस 1 = 0, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए 4, इसको भाग देंगे 4 बार में 4 ले और एक्स स्क्वायर से करेंगे 4x², इसको भाग देंगे 1 बार में 1 ले और एक्स ले एक्स, इसको भाग देंगे 4 बार में 4 से और -4 से -4 = 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, 0 से 4 से करेंगे 0, यही आपका द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक इसका लेंदी बहुत मतलब मेथड है जो कि आप लोग को सारे टीचर बताते रहते हैं, उसको आप लोग कभी अप्लाई मत करना, आपका टाइम व्यर्थ होगा। इसको अप्लाई करिए, आपको फुल मार्क्स में मिलेंगे और यूनिक भी है। ठीक ना, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है द्विघात बहुपद का, अल्फा या बीटा उसको मान लीजिए और फिर बना दीजिए, कितना ईजी है, बहुत ईजी है, इस तरीके से बनाइएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर √2 और 1/3 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया जाए। ठीक ना, आइए क्वेश्चन नंबर 2, √2 है और 1/3 है, ये भी जस्ट उसी तरीका से बनेंगे, बहुत इजी मेथड लगाएंगे और जल्द बन जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला आपको, दिया है जो लिखा रहता है लिख लिया जाता है, सॉल्यूशन क्या दिया है जी, तो दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है √2, और क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा 1/3। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, लिखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है √2, तो हो गया √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 है तो 1/3 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो गया 3, इसको भाग देंगे 3 बार में 300 और एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x² माइनस, इसको भाग देंगे 3 बार में 300 √2 से करेंगे 3√2x प्लस, इसको भाग देंगे 1 बार में 1 से और 1 से 1 = 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, इसको सुगुना कर देंगे 0। ये देखिए आपका यही द्विघात बहुपद हो गया आंसर, कितना फास्ट बन रहा है, बहुत इजी होता है और बहुत फास्ट तरीका से इससे बना सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 0 और 5 है, 0 और 5 है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 0 और 5 है, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया है उसको लिख लिया जाता है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, दिख रहा है साफ ना,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो 0 एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान है 5 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर ये तो 0 यानी खत्म हो जाएगा, और प्लस 5 बराबर में 0, ये देखिए आंसर। ओके, इस तरह से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लिया जाए। फोर है आपका एक एक वन वन, आपके बुक में देखिए वन वन दिया है। इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर एक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर एक दिया हुआ है। उसके बाद द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक है, तो एक एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा एक बराबर में 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन से और एक ले एक्स और प्लस वन बराबर में 0। यही आपका द्विघात बहुपद होगा। कितना इजी है, फास्ट बन रहा है, तीन तीन स्टेप में आपका आंसर। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का लास्ट है, लास्ट नहीं है, इससे 5 नंबर ना, 5 नंबर माइनस 1/4 और 1/4 है। चलिए इसको भी बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5, माइनस 1/4 और 1/4 है। इसको भी क्या करेंगे, वही कंडीशन लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे कि दिया है, क्या दिया है भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब लगाएंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस 1/4 है एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है बराबर में 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स और प्लस 1/4 बराबर में 0। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, इसका 4 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, भाग देंगे 4 बार में, 4 ले और एक्स स्क्वायर से करेंगे 4 एक्स स्क्वायर, इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 ले और एक्स ले एक्स, भाग देंगे 4 से 1 बार में, 1 से और 1 से 1 बराबर में 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। देखो द्विघात बहुपद के फॉर्म में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 6 जो है आपका है ए वाला 4,1। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए और इसको करके मेरे व्हाट्सएप पर करिए, जस्ट इसी तरह से होंगे। ठीक ना, इसके आप लोग के होमवर्क में हमने दे दिया, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर 8383896119 पर सेंड करिए। हम चेक करके आपको जरूर बताएंगे। ठीक ना, और जिनको सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन होना होगा वो जुड़ सकते हैं, इसी नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, कैसे सपोर्ट मेंबरशिप में जुड़ा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। प्रश्नावली 2.2 बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छा प्रश्नावली है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 को सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, हमारा आप लोग के साथ बिल्कुल 100% सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आप एक मेरे छोटे भाई हो, मान लो कि आपके हम एक बड़े भाई ही हैं। ठीक है ना, सर या छोड़ो, सर या कुछ भी करो, कहो या ना कहो, उससे मतलब नहीं है। इतना मैं समझता हूँ कि आप जो हो ना, आप एक मेरा छोटा भाई हो, और आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग के लिए पूरा हम दिन रात मेहनत करेंगे, आप लोग के लिए एक मैट्रिक जो पढ़ रहे हैं, मैट्रिक यानी क्लास 10th में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा गर्दा फार के नंबर लाना है। समझ गए? तो मेरा 100% सपोर्ट रहेगा, आप लोग पूरा मेहनत करिए, मेरा सपोर्ट के साथ आप लोग को 100 में आप लोग को 95 लाना ही लाना है। ठीक है, यदि आप सपोर्ट मेंबरशिप में जुड़ जाते हैं तो आप लोग को और मेहनत करवाएंगे हम तो। ठीक है, पूरा मोटिवेशन के साथ। चलिए, ज़्यादा बात करने से कोई प्रॉफिट नहीं है, पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए अभी से ही, कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है। यदि आपको पूछना चाहते हो तो जरूर हमसे हेल्प लीजिए, आपको जरूर बताएंगे, पूरा 100% हेल्प रहेगा मेरी तरफ से। ओके, तो आज की क्लास इतना ही खत्म करते हैं, अगले वीडियो में 2.3 में मिलते हैं।